हेलो एवरीवन, मैं हूँ जी मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वीकली रीडिंग में आप लोग का स्वागत है। एक बिग अनाउंसमेंट है फ्री रीडिंग्स के लिए। जी हाँ, ये करने वाली हूँ मैं मेरे चैनल पे एक गिव अवे। आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करनी है, तो अगर वो आप करते हो तो आप जीत सकते हो ये पर्सनल रीडिंग। अगर आप जानना चाहते हो कि इस गिव अवे में आप लोगों को कैसे पार्टिसिपेट करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो मेरी चैनल को फॉलो करनी है, क्योंकि आगे रीडिंग्स में मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या रूल्स है। कोई भी रीडिंग में मैं बता सकती हूँ या फिर अलग से वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, आई डोंट नो मैं क्या करूँगी, बट वहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूंगी। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं आज की वीकली रीडिंग की। हेलो जेमिनाई, तो चलिए देख लेते हैं ये वीक आप लोग की कैसे जाने वाली है, मुझे क्या पता चलती है और मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ। स्पिरिट्स की तरफ से भी आपको गाइडेंस मिलेगी। ओके मुझे 3 कार्ड्स ही चाहिए स्पिरिट्स। थैंक यू। आपकी फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। ओह वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल एंड द टावर। ओके मुझे जैसे कि इस वीक में आप लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में सोचने वाले हो, जैसे कि पास्ट की जो मेमोरीज है वो किसी के साथ हो सकती है। आपकी आपकी कुछ भी पास्ट की मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हो, बहुत ज़्यादा जैसे लोग मतलब लोगों के बारे में सोच के परेशान होना। मुझे तो टावर यहाँ पर बता रही है कि कुछ ऐसी आपके साथ शायद आप इस वक्त पे फेस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें जैसे कि आपके लाइफ में बदल रही हैं, जो कि आप कहीं ना कहीं चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो, मतलब ये आपके चाहने या फिर ना चाहने से नहीं है, चीज़ें बदल रही है आपके लाइफ में और आप कहीं ना कहीं वर्क करने जा रहे हो अपने लाइफ को सुधारने के लिए। आप आपके जो सिचुएशन है उसको बदलने के लिए आप इस वीक में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। आप अपने वर्क लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो और यहाँ पर मुझे और लोगों के इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, लाइक और लोगों के बारे में सोचना या फिर किसी के बारे में सोच के थोड़ी सी परेशान होना। ये आपके फैमिलीज हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकते हैं। पास्ट मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करना, ये सारी थॉट्स कहने के आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलेगी, बट उसी के साथ साथ कहने के आप अपने काम के ऊपर भी फोकस्ड होंगे। ओके, मुझे यहाँ पर कुछ तो दिख रहा है जो कि टावर मोमेंट जो कि बता रही है आप चाहो या फिर ना चाहो, ये चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है, तो दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा पास्ट को सोच के जैसे कि परेशान होना, ठीक है, पास्ट की चीज़ों को सोच के या तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा आप खुश हो जा रहे हो, पास्ट की चीज़ों में अटक के रहना। तो आपके लिए मैं गाइडेंस यही दूंगी कि आपको प्रेजेंट में जीनी है, पास्ट में जो हो चुका है उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, बट आपके आगे की आने वाली जो ज़िंदगी है उसको अच्छे करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। और मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप काम करोगे, अपने जो फोकस है उसको वहाँ से हटाने के लिए आप कहीं ना कहीं काम के ऊपर फोकस करोगे, आप वो सारी चीज़ें करोगे ताकि आपकी ध्यान ना जाए, बट इस वीक में कहीं ना कहीं आपकी वो रहेगी, ठीक है, आप थोड़ी सी पास्ट में जाओगे, पास्ट की थिंकिंग चलेगी। तो यहाँ पर टावर क्यों है मुझे जाननी है स्पिरिट्स, यहाँ पर टावर बहुत सारी कार्ड्स हैं, एक ही कार्ड मुझे चाहिए। यहाँ पर टावर क्यों दिख रहा है फॉर जेमिनी इस वीक में,
ओके, एट ऑफ कप्स, मैंने जैसे कहा कि कुछ चीज़ों से आप जैसे मूव ऑन कर रहे हो, ओके. टावर मोमेंट मुझे वही बता रही है कि आपको अभी लगेगा इस वीक में आपको लगेगा कि आपकी जो विश है उसको फुलफिल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं चीज़ों से मूव ऑन करने की ज़रूरत है. आप कहीं ना कहीं अगर पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचोगे भी, पास्ट की चीज़ों को सोच के अगर आपके मन दुखा तो आप काम करोगे, आप उसके ऊपर आप अपना काम करोगे, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच के उन चीज़ों से मूव ऑन करने की कोशिश करोगे. मुझे यहाँ पर इस वीक में अगर आपको एक ही लाइन में कुछ बतानी है वो है एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंजेस. ओके, आप खुद को चेंज कर रहे हो, अपने सिचुएशन को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने थॉट्स के ऊपर काम कर रहे हो ताकि आपको खुशी मिले, ताकि आप खुश रह पाओ. चीज़ों को जैसे कि आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ भुलाने की कोशिश कर रहे हो. मुझे आपके लिए वही सुनाई दे रहा है कि भुला कर बस आगे बढ़ जाना. हो सकता है कि आपके ब्रेकअप रिसेंटली हुआ है या फिर आपके साथ आपके घर पे कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपके लिए बहुत शॉकिंग था, एंड वो भुला पाना उतना आसान नहीं है. बट इस वीक में आप काम करोगे, उसके ऊपर आप काम करोगे. मुझे दिख रहा है कि आप भुलाने की कोशिश करोगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे. ओके, गाइडेंस के तौर पर 2 कार्ड लेना चाहूँगी. थैंक यू. आपकी फर्स्ट कार्ड है योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड. ओके, एंड सेकेंड कार्ड है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मेटेरियल चीज़ों को लेकर अगर परेशान हो, लाइक अपने करियर को लेकर परेशान हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पास्ट में अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसको लेकर आप सोच रहे हो कि आगे क्या किया जाए, लाइक कुछ अनफेयर चीज़ें आपके साथ हुई है तो आप उसी को ब्लेम कर रहे हो और अपने जो करियर है उसको पास्ट की चीज़ों की वजह से ब्लेम कर रहे हो. तो आपको कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को अगर सोचोगे, ब्लेम करोगे तो अल्टीमेट आपको कुछ नहीं मिलने वाला. आपको इस वक्त पे रह के एक प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है. काम ही किए जा रहे हो उसमें से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है. आपको ज़रूरत है ये सोचने की कि आपको कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़नी है, आपको क्या ऐसी करनी है जो कि आपको आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ ले जाए, आपकी इच्छा को पूरी करने की तरफ ले जाए. योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड कहने के बताती है ये वीक में आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगी या फिर बहुत कुछ आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीक आपके लिए उतना अच्छा नहीं जाने वाली है. इस वीक में आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा और ये स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए एक टेस्ट होगी जिसमें आपको पास होनी है. और लाइफ में तो ऐसी टेस्ट आती ही रहती है, तो मैं आपको ये बताऊंगी इस वीक में आपको स्ट्रांग रहनी है, बोल्ड रहनी है और जितना हो सके अपने ऊपर फोकस्ड होनी है और पास्ट की चीज़ें को बस भुला देनी है, आगे के बारे में सोचनी है. आपके प्रेजेंट को अच्छा करो, फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. यही मुझे आपको बतानी है. सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू. आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है. मिली है तो इन बस को थैंक करना. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. बाय.